स्टार्ट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि जो पहले क्लासेस में करवाया गया है, जो भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो आपने अच्छे से कर लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज़ अगर किसी प्रकार की समस्या आती है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आपके पास जो कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप कीजिए और बताइए कि हमें ये दिक्कत आ रही है। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत, क्वेश्चंस अपलोड नहीं हुए थे? वेरी गुड, क्वेश्चंस अपलोड नहीं। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दो लिस्ट दी गई है, दो सूची दी गई है। एक साइड आपको मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक दिए गए हैं, सॉरी दिक्कत है, एक साइड आपको स्मारक दिए गए और एक साइड आपको क्या दिए गए, लेखक मतलब कि वो किसने बनाए थे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या कहता है, बुलंद दरवाजा मतलब कि फतेहपुर सिकरी। जो बुलंद दरवाजा बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है, फतेहपुर सिकरी में। और हम सभी को पता है कि ये किसने बनवाया था, मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड मॉर्निंग मयंक, और ठीक हो आप सभी? चलिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी में है, ये हम सभी को पता है। नेक्स्ट क्या कहता है, अतका खां का मकबरा जो कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट शाह बेगम का मकबरा जो कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। और इताम दौला का मकबरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे है, आगरा में है। देखिए यहाँ से आपके दो से तीन क्वेश्चन निकल के आते हैं कि बुलंद दरवाजा, सबसे पहले तो ये देखिए बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है अतका खां का मकबरा जो कहाँ पर है, दिल्ली में। अतका खां कौन था, आप सभी को पता है कि अकबर की जो धाएं माँ थी उनका नाम क्या था, महामनंगा। अकबर की जो धाएं माँ जिसने अकबर को पाला था उनका नाम क्या था, महामनंगा। महामनंगा के बेटे का नाम क्या था, अतका खां। क्या नाम था, अतका खां। तो ये कहां पे है, मकबरा दिल्ली में। नेक्स्ट शाह बेगम का मकबरा कहाँ पे है, इलाहाबाद में। अब यहाँ से शाह बेगम का मतलब जोधा बाई भी निकल सकता है और हमीदा बानो बेगम भी निकल सकता है। तो वैसे तो शाह बेगम जो है उसका मतलब यहाँ पर निकलता है आपका जोधा बाई, ठीक है। नेक्स्ट निकलता है इताम दौला का मकबरा जो कहाँ पे है, आगरा में। इताम दौला कौन था, नूरजहां का पिता था। कौन था, नूरजहां का पिता था, महामंगा, जिसे हम आसफ जहां कहते हैं, जिसे इताम दौला की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी, किसने दी थी, जहांगीर ने। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये जो मकबरे बनाए गए हैं, जो चीजें बनाई गई हैं, इसके वास्तुकार कौन थे, किस किस ने इसकी वास्तुकारी की है। तो देखिए बुलंद दरवाजा का जो वास्तुकार था उसका नाम क्या था, चिश्ती, अहमद अल चिश्ती। अहमद अल चिश्ती जो था वो बुलंद दरवाजे का क्या था, वास्तुकार था, या बुलंद दरवाजे को बनाने वाला व्यक्ति था। क्लियर, बात समझ में आई, मिस्त्री कह सकते हैं हम। अतका खां का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था, बाकी मोहम्मद ने। किसने, बाकी मोहम्मद ने। नेक्स्ट हम बात करती हैं शाह बेगम का मकबरा, तो शाह बेगम का मकबरा जो है वो किसने बनवाया था, अब्दुल्ला मुश्किन किलम, अब्दुल्ला मुश्किन कलम। वो आपको अगर याद, मतलब याद करना है, तो देखिए
कई बार स्टेटमेंट्स आती है ना कि लेडीज को समझना बहुत मुश्किल होता है, कई कहते हैं ना कि लेडीज को या गर्ल्स को समझना बहुत मुश्किल होता है, तो बेगम को, पत्नियों को, बेगम को समझना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है, बेगम को समझना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। तो शाह बेगम का मकबरा किसने बनाया था? अब्दुल्ला मुश्किन कलम ने। क्लियर, बात समझ में आएगी? आई होप ये चीज़ आपको याद हो गई होगी, बहुत ईजली तरीके से याद होगी कि हाँ बेगम को समझना क्या है, मुश्किल है। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं एताम दौला का मकबरा, और ये किसने बनवाया था? अल कुरैशी ने बनवाया था। किसने? अब्द अल नबी अल कुरैशी। और आप सभी को बता दूं कि मुगल काल में या भारतीय इतिहास में पहली बार पितृदूरा, पितृदूरा क्या होता है, जब संगमरमर के पत्थरों पर हीरे सोने पत्थरों से जो जड़ावत की जाती है, मतलब मान लीजिए संगमरमर का पत्थर है, इस पर मैं सोने चांदी हीरे से जो जड़ावट कर रही हूँ, उसको क्या कर रही हूँ, रोप रही हूँ, वो क्या है, पितृदूरा होता है। और पहली बार पूर्णतः संगमरमर से निर्मित मकबरा कौन सा था, तो वो कौन सा था, एताम दौला का मकबरा था। क्लियर, बात समझ में आई? तो देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन निकल के आते हैं आपको कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, अतका खां का मकबरा, बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट, शाह बेगम का मकबरा कहाँ पे है, एताम दौला का मकबरा कहाँ पे है। क्लियर, बात समझ में आई? अब आपसे पूछा गया कि इनके वास्तुकार कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अतका खां का मकबरा, बाकी मोहम्मद, अल कुरैशी, एताम दौला का मकबरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिश्ती, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट, बेगम को समझना क्या होता है, मुश्किल होता है, तो मुश्किल कलम। क्लियर, तो देखिए ए का, ए का क्या आएगा, थर्ड, ए का थर्ड देखिए कहाँ पर है, यहाँ पे ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर है, और डी का क्या है, सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, बात समझ में आई? आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें कह रहा है, वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो मुझे, कि पिता पुत्र की निम्नलिखित फारसी चित्रकारों में से कौन हुमायूं के दरबार में शामिल हुआ, मतलब कि हमें एक पिता और पुत्र की क्या बतानी है, जोड़ी बतानी है, जो क्या थे, चित्रकार थे, क्या थे, चित्रकार थे, जो किसके दरबार में थे, हुमायूं के दरबार में शामिल हुए थे। बात समझ में आई? तो देखिए, विच अमंग द फ्लावरिंग पर्सियन प्रिंटर्स ऑफ द फादर सन ड्यू जोड़ी ज्वाइंट हुमायूं कोर्ट, मतलब पिता पुत्र की जोड़ी का नाम बताइए जिसने हुमायूं के दरबार को क्या किया था, हुमायूं के दरबार में वो क्या करते थे, रहते थे। देखिए यहां से मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप सभी को पता है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में क्या हो जाता है, हुमायूं हार जाता है, और हुमायूं कहाँ चला जाता है, ईरान चला जाता है। ठीक है, ईरान में जब वो जाता है तो वहाँ पर उसे दो चित्रकार मिलते हैं जिनसे वह इतना खुश होता है कि जब हुमायूं वापस आता है तो अपने साथ उन दोनों चित्रकारों को यहाँ पर भारत में लेकर आता है। तो वो दो चित्रकार कौन थे, और वो पिता, वो क्या थे, फादर एंड सन थे, मतलब कि पिता और पुत्र थे, पिता और पुत्र की क्या थी, जोड़ी थी। तो वो दोनों ही पुत्र, पिता और पुत्र कौन थे, क्या वो मीर मुसविर थे? तो मैं आप सभी को बता दूं कि अबू समद और सैयद अली, अबू समद और सैयद अली जो थे वो क्या थे। हाँ जी सुखचैन जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि कौन से पिता पुत्र की जोड़ी है जो हुमायूं के दरबार में शामिल हुई थी। तो आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि जो मुगल काल में चित्रकारी की जो शुरुआत हुई है वो हुई है हुमायूं के समय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को है कि चित्र, मुगल चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय हुई है, वो किसके समय हुई है, हुमायूं के समय। और मुगल चित्रकला अपने शीर्ष स्थल, शीर्ष था टॉप पर, मतलब कि एक ऐसा टाइम पीरियड जब चित्रकारी जो थी वो टॉप पर थी, हर व्यक्ति क्या करता था, चित्रकारी करता था। तो वो किसके टाइम पे हुई थी, वो हुई थी जहांगीर के समय हुई थी। वो किसके समय, जहांगीर। शुरुआत किसके समय हुई, हुमायूं के समय। और उस चित्रकारी का विकास कब हुआ, जहांगीर के समय। हमसे क्वेश्चन पूछा यही गया है कि कौन से पिता और पुत्र थे हुमायूं के,
में, तो वो कौन से थे? अबू समद और मीर सैयद अली, जो ईरान से हुमायूं के साथ भारत आए थे। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और जवाब दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे जो हैं कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। देखिए, ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड, मतलब कि जहांगीर के समय, सर्टेन पेंटर्स डेवलप्ड रिकॉग्नाइजेबल एरिया ऑफ द एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ मुगल पेंटिंग्स। क्या कहते हैं कि जहांगीर के काल के दौरान कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकला के क्षेत्र में विशेषज्ञता, मतलब कि एक बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी कंडीशन के पहचानने योग्य क्षेत्र विकसित किया था। इसमें से कौन सा कथन क्या है सही है? हमें यहाँ पर चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्लियर, बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि जहांगीर के समय जो चित्रकार थे उन्होंने किस वजह से क्या प्राप्त की थी, प्रसिद्धि प्राप्त की थी, किस वजह से अपने नाम को क्या किया था, फेमस किया था, क्या कारण थे? तो देखिए क्या कहता है कि जो मंसूर था वो जानवरों और फूलों की पेंटिंग बनाने में माहिर था। जो अल मंसूर था वो जानवरों और फूलों की पेंटिंग बनाने में क्या था? माहिर था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो अल मंसूर था फूलों और जानवरों के चित्र बनाने में निपुण था? बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो आप सभी ने सुना होगा साइबेरिया का बिरला सारस, साइबेरिया का एक सारस है और बंगाल का एक फूल, ठीक है। आप सभी ने देखा कि मन जो है वो जानवरों के और फूलों के पेंटिंग बनाने में निपुण है, तो जानवर क्या हो गया? साइबेरिया का एक बिल्ला सारस हो गया, और फूलों की मतलब कि बंगाल का एक क्या हो गया? फूल हो गया। तो इन दोनों ही चित्रकारी का जो चित्रकार है वो कौन है? मंसूर है। और आप सभी को बताऊं, जहांगीर इससे इतना खुश हुआ था इस मंसूर से जब उसने ये चित्र बनाए थे, तो जहांगीर ने मंसूर को क्या दिया था? वो कहते ना, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे सामने वाला अगर कोई प्रेज करता है, हमारी प्रशंसा करता है, हमें क्या कहता है, तोहफा देता है, या हमारा कुछ और नाम रख देता है अगर हमने उसके अकॉर्डिंग काम किया है, तो वो क्या करता है, हमसे खुश हो जाता है और हमें क्या देता है, तोहफा देता है। बात समझ में? तो इसी तरह से जहांगीर क्या हुआ, अल मंसूर से क्या हो गया, खुश हो गया, और उसने मंसूर को किसकी उपाधि दी? नादिर उल असर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि किसको दी थी? वो किसकी दी थी? मंसूर को दी थी। क्लियर, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट सेगमेंट देखिए। अबुल हसन एक चित्रकार था, बिल्कुल सही बात है। कैसा चित्रकार था ये? व्यक्ति चित्रकार था, मतलब कि ये क्या बनाता था? जो हम मानव है, जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उनके क्या बनाता था? चित्र। ये तो क्या बनाता था? जानवरों और फूलों के चित्र बनाता था। क्लियर, बात समझ में आई? और जो हसन था, हंसना किसका स्वभाव होता है? मनुष्य का स्वभाव होता है। हम क्या है? हंसते हैं ना, तो वो क्या है? हसना अबुल हसन, मतलब कि वो क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो अबुल हसन किसके चित्र बना रहा है? व्यक्तियों के चित्र बना रहा है, मनुष्य के चित्र बना रहा है। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस को समझ लीजिएगा कि ये जो है वो जानवरों और फूलों के चित्र बना रहा है, इसके अलावा वो व्यक्ति चित्र नहीं बना रहा, और जो हसन है वो सिर्फ क्या बना रहा है? व्यक्ति चित्र बना रहा है। अगर आपको याद नहीं रहता तो इस तरह से याद रखिएगा, हंसना किसका स्वभाव है? व्यक्ति का, मनुष्य का, इंसान का। बात समझ में आई? तो अबुल हसन किसका चित्रकार है? व्यक्तियों का क्या है? चित्रकार है। वो क्या बनाता है? मानव के चित्र बनाता है, एक इंसान का क्या बनाता है? चित्र बनाता है। बात समझ में आया?
तो देखिए, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। और आप सभी को बता दूं, जहांगीर इससे इतना खुश था अबुल हसन से कि उसने उसे नादिर उल असर की उपाधि किसको दी थी? मंसूर को। और इसे नादिर उल जमा की, किसको? नादिर उल जमा। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि बर्फ में वो इंसान बहुत ज़्यादा हंस रहा था। बर्फ के अंदर वो, जब बर्फ पड़ रही थी तो वो इंसान क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा हंस रहा था। हंसते हंसते वो क्या हो गया? जम गया। हंसते हंसते क्या हो गया? जम गया। इस वजह से नादिर उल जमा की क्या दी गई? उपाधि दी गई। क्लियर? बात समझ में? बहुत ईजी क्वेश्चन था। और इस तरह का जो क्वेश्चन है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में राजा से ज़्यादा उसके टाइम का जो प्रशासन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जमा की उपाधि हसन को और असर की उपाधि किसको दी गई थी? मंसूर को दी गई थी। क्लियर? क्योंकि वो हंसते हंसते क्या हो गया? जम गया। हंसते हंसते व्यक्ति जम गया। बात समझ में आई? नेक्स्ट दी गया गोवर्धन जो था, नेक्स्ट स्टेटमेंट, गोवर्धन भी इसका एक चित्रकार था। वो साधुओं के, संगीतकारों के और सनकी समझते हैं, पागल जो मेंटल होते हैं दिमाग से, ठीक है, उनके चित्र बनाने में एक क्या था? चित्रकार था। मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपके क्वेश्चन का। आप देखिए, हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो? क्लियर हो, ताकि हमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन समझ में आए। हमारा सिर्फ उद्देश्य आप सभी को यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर बताना नहीं है, साथ ही साथ उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसे बताना है। क्लियर? बात समझ में आई? तो यहां तक समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप सभी स्टूडेंट जो पीएस टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा ऑफर है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने संकल्प लिया है कि हमें मास्टर गाइडर को फाइट करना है, तो सबसे पहले सीडी आपको पीएस टेट की चढ़नी पड़ेगी, और उसके चढ़ने के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बैच शुरू हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड AC512 यूज़ करते हैं तो आपको 1500 रुपये का क्या दिया जाएगा? डिस्काउंट दिया जाएगा। और अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया तो आप हमारे ऑफिशियल वेब नंबर 7710104040 पे जाइए, डायल कीजिए और वहां पर अपने आप को एनरोल करवाइए। क्लियर? बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, पढ़िए क्या कहना चाहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास लेड विच ऑफ द फ्लॉविंग मूवमेंट इन 1859। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने 1859 और 60 में से निम्नलिखित किस आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, या फिर नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। देखिए होता क्या है, आप सभी को पता है जब हमारे देश में अंग्रेज आते हैं तो वो अंग्रेज भारतीयों को नील खेती समझते हैं, नील जो हम घरों में कपड़े धोने में यूज करते हैं ना, नील, ठीक है, वो क्या होता है, किसानों को क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, उनका शोषण करते हैं। हाँ जी, हेलो मंजू, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आप मतलब क्या करते हैं, जो अंग्रेज थे वो क्या करते हैं, किसानों को, मतलब कि भारतीयों को मजबूर करते हैं कि तुम क्या करो, नील की खेती करो, तुम क्या करो, नील की खेती करो। बात समझ में आई? तुम क्या करो, नील की खेती करो, क्या करो, नील की खेती करो। तो लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि जो नील की खेती करते हैं ना, तो उस नील की खेती को करने के बाद ये जो जमीन है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, मतलब कि इस पर आप दोबारा खेती नहीं कर सकते। बस क्योंकि जो भूमि की जो उर्वरता क्षमता होती है, जो उपजाऊ शक्ति होती है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बात समझ में आई? अब क्या होता है कि अंग्रेज जो भारतीयों को प्रेशराइज करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन पर दबाव डालती हैं कि हमें क्या करवानी है, नील की खेती करवानी है। आप सभी ने भी वो जो चंपारण जो हुआ था महात्मा गांधी, वो भी तो नील की खेती के तहत ही था। तो यहां पे क्या होता है,
उन्हें नील की खेती के लिए मजबूर करते हैं, तो लेकिन वो जो मुनाफा बनना चाहिए वो भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि हमें क्या नील की खेती नहीं करनी है, क्योंकि हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। थैंक यू, बहुत अच्छे। देखिए, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि आप लोग मुझे क्या, मतलब मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको पढ़ाना है, ठीक है। मुझे बस, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि जो मैं करवा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने नहीं करवाया वो तो मुझे पता ही, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन जो मैंने करवाया है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और कभी भी इन फ्यूचर अगर आपके सामने कोई भी इस तरह का वर्ड आता है तो आपके दिमाग में उसी टाइम पे वो चीज़ आ जानी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ हमें रितु मैम ने करवाई थी। मेरा सिर्फ उद्देश्य आप सभी को पढ़ाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पढ़ा, मतलब अगर मैं आपके एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा भी अगर आपके काम आती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी, एक कहते ना पुरस्कार होता है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। तो मेरा वो सिर्फ उद्देश्य है कि आप पढ़ो और अपने संकल्प को, जो भी आपने संकल्प लिया ना, सीरियसली मैं आप सभी को बताऊँ, आज के टाइम में पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लड़के को तो चलो होना ही है, पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा, लेकिन आज के टाइम की जो ज़रूरत है वो है कि लड़की को भी क्या होना पड़ेगा, पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारी ज़रूरत समझ लीजिए, या फिर कह लीजिए हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए, या फिर कुछ भी, मतलब कह लीजिए कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना ही होना। क्योंकि मैं भी खुद एक लड़की हूँ, मुझे भी पता है कि अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या होता है। तो बस किसी भी तरह का, आप पता क्या होता है, जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं ना, तो हम उसके बाद हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन अब जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो उससे पहले अपनी लाइफ को जीने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि अगर आप अब लाइफ जी रहे हो ना, अपनी मौज मस्ती में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो बाद में आप पछताओगे, ठीक है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी। तो बस आप पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते, जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। बात समझ में? तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें दिगंबर विश्वास विष्णु, तो इन्होंने क्या किया, लोग, अंग्रेजों ने जब नील की खेती के लिए लोगों को मजबूर किया, तो उन्होंने क्या किया, हम नील की खेती नहीं करेंगे। इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और वो कौन सा विद्रोह है, नील विद्रोह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और मैं बताऊं, ये जो नील विद्रोह है, इसका अखबारों में भी क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया, तरह तरह के नाटक बताए। क्योंकि देखो, हर चीज़ को अगर हम नाटक के थ्रू समझाते हैं तो लोगों पे इसका क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। आप कोई भी फिल्म ले लो, कोई भी सोशल मुद्दा ले लो, अगर वो नाटक के थ्रू लोगों को समझाते हैं तो उन्हें समझ में आता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दीन बंधु। क्या नाम था? दीन बंधु। उनका एक अखबार था जिसका नाम था नील दर्पण। क्या नाम था? नील दर्पण। उस अखबार में इन्होंने नाटक का क्या किया, प्रदर्शन किया, और लोगों को बताया कि नील की खेती मत करो। बात समझ में आई? समझ में आया? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया है, वह क्या है, नील विद्रोह का। किसका किया है? नील विद्रोह। और जो बाकी के तीन ऑप्शन बच गए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। मुंडा विद्रोह, इसका नेता कौन था, बिरसा मुंडा। क्या नाम था? बिरसा। वैसे तो नाम में ही पता चल रहा है, जहाँ पर बिरसा मुंडा आ जाए वहाँ पे क्या है, मुंडा विद्रोह है। जहाँ पर बिरसा मुंडा आ जाए वहाँ पे क्या है, मुंडा विद्रोह है। कुका विद्रोह, ये किसका है, किसका है ये? कुका विद्रोह जो है वो किसका है? भगत जवाहर। भगत जवाहर, मतलब कि कुका विद्रोह का नेता कौन था, भगत जवाहर मल। नेक्स्ट नील विद्रोह हो गया। फ्राजी आंदोलन का नेता कौन सा है, दूदू मियां। दूदू मियां, दूदू मियां और हाजी, हाजी शरीयत, हाजी शरीयत। क्लियर? बात समझ में आई? देखिए, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, ये आप सभी को पता है। कोका विद्रोह का नेता कौन है, भगत जवाहर महल।
नेक्स्ट है नील विद्रोह। नील विद्रोह का नेता कौन है? अपना दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। बाकी का बच गया फिराजी आंदोलन। फिराजी आंदोलन का नेता कौन है? दुदू। और क्या है? हाजी शरीयत उल्ला। हाजी शरीयत उल्ला। क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, नील विद्रोह का नेता कौन है? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रक्शन सजेस्ट ए टाइम नॉकिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द महाभारत वार। मतलब कि महाभारत युद्ध से प्रारंभ होने वाली समय गणना का सुझाव कौन देता है? सीधा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मत आप इस तरह से टिपिकल बनाइए। सीधा सा उल्लेख है कि महाभारत युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया। क्वेश्चन सीधा सा है कि महाभारत युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। महाभारत तो आप सभी ने सुनी हुई है, सभी को पता है। तो महाभारत युद्ध का सबसे पहले जो उल्लेख है वो किस में किया गया है? तो देखिए यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, हर्ष का मधुबन ताम्रपत्र, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र और ईसावर्मन का हरहा अभिलेख। ये सब छोड़ दीजिए, आप सभी को बता दूं कि जहाँ महाभारत का नाम आता है वहाँ पे आता है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। आप सभी को पता है कि पुलकेशिन द्वितीय कौन है? चालुक्य शासक है, ठीक है। उसका एक दरबारी था जिसका नाम था रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति था। रवि कीर्ति जो था वो जैन धर्म का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति किसका था? जैन धर्म का था। उसने एक अभिलेख लिखा था जिसका नाम था ऐहोल अभिलेख। क्या लिखा है? ऐहोल अभिलेख। उस ऐहोल अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में क्या मिलती है जानकारी? पहली बात तो ये समझ लो कि पुलकेशिन द्वितीय कौन था? चालुक्य शासक था। इसका क्या है? ऐहोल अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख किसका है? जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में था रवि कीर्ति, जो जैन धर्म का अनुयायी था, उसका क्या है? ऐहोल अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय की। क्यों? क्योंकि इसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में और जो वर्धन वंश का जो शासक था ना हर्षवर्धन, उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसका पता भी हमें कहां से चलता है? ऐहोल अभिलेख से। और महाभारत के युद्ध की जो गणना है, जो टाइम पीरियड है, वो भी हमें कहां से पता चलती है? ऐहोल अभिलेख से। क्लियर? बात समझ में आई? तो क्वेश्चन सीधा सा है, कोई घुमाने की जरूरत नहीं है कि महाभारत के युद्ध का वर्णन सबसे पहले किस अभिलेख में किया गया है, तो वो किस में किया है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहना चाहता है कि आप सभी के लिए एक नया बैच आ रहा है, जो बच्चे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, एग्रीकल्चर के एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, जिनका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उनका बैच जो है वो 7 दिसंबर से शुरू हो गया है। अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। हमारी जो ऑफिशियल नंबर है 7040401010, इस पर जाइए और इस पर क्या कीजिए, अपने आप को एनरोल करवाइए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरा कूपन कोड AC512 यूज़ करते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा? 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी, कौन से अधिकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने प्रांतों की जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफिसर वर नोन फॉर वाटर अरेंजमेंट फॉर देयर प्रोविजेंस। मतलब कौन से अधिकारी हैं जो किसके लिए जाने जाते हैं? जल व्यवस्था। जल व्यवस्था समझते हैं, नहरें बनवाना, सिंचाई के लिए नदियां मतलब तालाब बनवाना, ये क्या है? जल व्यवस्था का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इनमें से कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने जल के लिए, पानी की सिंचाई के लिए क्या किया है? काम किया है। किसानों की कृषि के लिए, सिंचाई करने के लिए क्या किया है? काम किया है। तो देखिए, चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। फर्स्ट है सुप्या, सेकंड है पुष्यगुप्त, थर्ड है तुसाप और चौथा है शुविशाख। आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी ने एक झील का नाम सुना होगा, सुदर्शन। सुदर्शन सुना हुआ है? ये कहाँ पे है? कहाँ पे है? गुजरात में, सौराष्ट्र में है, आप सभी को पता है। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं सुप्या की। तो आप सभी समझिए कि कश्मीर का एक शासक है,
कश्मीर का एक शासक है जिसका नाम है अनंत वर्मन, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन। इस अनंत वर्मन के समय इसके अधिकारी किसने, सुप्या ने। यहाँ पे अधिकारियों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, राजाओं की बात नहीं हो रही है। तो कश्मीर का जो शासक है अनंत वर्मन, अनंत वर्मन के समय सुप्या ने क्या किया था, एक झेलम नदी थी, कौन सी नदी थी, झेलम नदी थी, वहां पर क्या किया था, झेलम, कौन सी नदी थी, झेलम नदी थी, ठीक है। इस झेलम नदी पर बांध रोक के क्या बनवाई थी, नहरें बनवाई थी, क्या बनवाई थी, नहरें बनवाई थी, समझ गए मेरी बात। तो सुप्या भी क्या है, जल व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुष्यगुप्त की। तो पुष्यगुप्त जो था वो किसके समय था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, क्लियर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसने क्या करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुषाश्व की, ये किसके समय था, अशोक के समय, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशोक के समय इसने क्या करवाया था, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण नहीं, मतलब मरम्मत करवाई थी, क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में ही कौन आता है, अशोक आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अशोक का जब टाइम पीरियड था उसके समय सौराष्ट्र का जो प्रांतीय शासक था जिसका नाम क्या था, तुषाश्व था, उसने इस सुदर्शन झील की क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी, क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी। फिर हम बात करते हैं शुभशाक की, आप सभी को पता है रुद्रदामन, रुद्रदामन जो एक शासक है, उस शासक के समय शुभशाक ने, मतलब कि सौराष्ट्र मतलब गुजरात के शासक ने इस सुदर्शन झील का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, क्योंकि ये उस टाइम तक क्या हो चुकी थी, टूट चुकी थी, बात समझ में। कोई भी चीज़ क्या मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, कोई भी चीज़ क्या मांगती है, मरम्मत मांगती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका निर्माण हुआ, अशोक के समय इसका क्या हुई थी, मरम्मत हुई थी, और रुद्रदामन शुभशाक के समय इसकी क्या हुआ था, पुनर्निर्माण किया गया था, क्लियर, बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आया, समझ में आ रहा है, हाँ जी क्लास, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी क्या कीजिए, इसको क्लास को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इतिहास के बारे में क्या मिले, जानकारी प्राप्त हो, क्लियर, बात समझ में आई। तो ये भी जल व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, पुष्यगुप्त भी जल व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तुषाश्व में और शुभशाक में, तो इसका मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, क्लियर, बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आया। किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या है तो बता दो अभी भी, क्योंकि जब हम टॉपिक करते होते हैं तब हमारे डाउट्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये हमें कह रहा है कि आर्थिक आलोचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या, कि कौन सा कथन क्या है सही है। स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी बड़ी लग रही है ना आप सभी को, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कैसे, देखो, ब्रिटिश शासकों ने रेल मार्गों, आप सभी को पता है, रेल लाइनों का निर्माण करवाया, और भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि को भारत की समृद्धि का क्या बताया प्रमाण। अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम जो रेल लाइनें बना रहे हैं, हम जो ट्रेन्स बना रहे हैं, उनके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है कि भारत की समृद्धि को क्या करना, बढ़ाना है। और ऑब्वियसली ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है, कि जो ट्रेन बनी थी भारत के अंदर, पहले क्या था, कच्चा माल इधर से उधर नहीं पहुंचा सकते थे, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास साधन ही नहीं थे, जो पक गया माल, जो तैयार माल है, उसे भी हम इधर से उधर नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं थे। जब ट्रेन बनी, रेलगाड़ियों का निर्माण हुआ, तो इधर से उधर जाना भी क्या हुआ, पॉसिबल हुआ, पहली बार। दूसरी बात, जो रॉ मटेरियल थे, कच्चा माल, वो भी इधर से उधर आना शुरू हो गया। मतलब ये क्या था, हालांकि ट्रेन्स का, रेलगाड़ियों का निर्माण अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए किया था, लेकिन इसके पीछे हमारी समृद्धि, हमारी खुशहाली, हमारा विकास ही क्या हुआ था, छुपा हुआ था, क्लियर। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहना चाहता है कि राष्ट्रवादियों के लिए, स्वदेशी उद्योगों के लिए और विदेशी व्यापार के लिए और रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था के अविकसित होने का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि
अगर इन चीजों पर अगर क्या पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, इससे भारत क्या होगा, अविकसित होगा। क्यों? क्योंकि किसी ना अगर भारत देश का विकास करना है तो इन चीजों का पॉजिटिव होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। थर्ड क्या कहता है कि राष्ट्रवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि जहां व्यय ने ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतों को पूरा किया, वहीं इससे भारतीय लोगों को समृद्धि भी आई। कैसे आई, कैसे आई? भारत का पैसा तो सारा बाहर जा रहा है, भारत का पैसा तो सारा बाहर जा रहा है, बात समझ में? जो अंग्रेज थे वो हमारे देश का पैसा कहाँ लेके जा रहे थे? इंग्लैंड लेके जा रहे थे। देखो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, सुनो। क्या होता है, आप सभी को पता है बारिश कैसे होती है, जो समुद्र में या नदियों में जो पानी होता है वो वाष्प बन के, भाप बन के उड़ता है और हम पर ही क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, बात समझ में? लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, पानी तो हमसे लिया, मतलब पैसा तो हमसे लिया, लेकिन उस पैसे की बारिश हम पर नहीं की, वो बारिश जाकर कहाँ पे की, इंग्लैंड में की। एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जॉन सुलिवान, उन्होंने क्या कहा था कि भारत के अंदर, मतलब गंगा नदी से हम क्या कर रहे हैं, सोख रहे हैं, गंगा नदी से हम सोख रहे हैं, लेकिन वो जो बारिश है वो हम कहाँ कर रहे हैं, इंग्लैंड में टेम्स नदी के तट पर कर रहे हैं। बात समझ में आई? भारत से पैसा जा तो रहा है लेकिन वो पैसा भारत में नहीं आ रहा, वो पैसा सीधा कहाँ पे जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, और इंग्लैंड में ही पैसे की क्या हो रही है, बारिश हो रही है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्योंकि इससे क्या, लोगों को समृद्धि नहीं है, मतलब लोगों का विकास नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है कि सॉरी, यहां पे धन आएगा, जल नहीं आएगा, धन आएगा। धन निकासी सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्ला सियानी ने की थी, उस अधिवेशन में धन निकासी, मतलब कि भारत से धन कैसे निकल रहा है, उसके बारे में क्या हुई थी, बातचीत हुई थी, किसके अंदर, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्ला सियानी ने की थी। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, इसका मतलब ए और बी दोनों ही सही है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखिए, Which of the following is historians claim that Akbar Empire is 1592 was said to contain was many as 120 cities and 3200 towns? निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने दावा किया कि 1592 में अकबर, मुगल शासक अकबर के साम्राज्य में 120 शहर थे और 3200 क्या थे, कस्बे थे? किसने कहा है? आपके सामने चार राइटर दिए हुए हैं, निजामुद्दीन अहमद, बड़ौनी, अबुल फजल और फेजी। यहाँ पे बड़ौनी नहीं है, यहाँ पे बदायूनी नहीं है, ठीक है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दी थी, निजामुद्दीन अहमद ने। किसने दी थी, निजामुद्दीन अहमद ने। क्लियर? बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया, जितना आप सभी को करवाया यहाँ तक समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, कल हम दोबारा मिलते हैं हमारी 11 बजे की क्लास में, लाइव में। उम्मीद करती हूँ कि जितना आप सभी को करवाया है वो समझ में आया है। अगर समझ में आया तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इतिहास की इंपॉर्टेंट जो पहलुओं के बारे में क्या मिले, जानकारी मिले। क्लियर? बात समझ में आई? तो कल हम दोबारा मिलते हैं इसी टाइम 11 बजे। थैंक यू सो मच।